अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा विश्व चेतना के उद्देश्य से श्रद्धा संवर्धन यात्रा निकाली जा रही है। शुक्रवार को इस यात्रा का रथ ऊन पहुंचा, जहां गायत्री परिजनों द्वारा कलश का स्वागत और दीप पूजन किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा मातृ शक्ति संवर्धन यात्रा निकाली जा रही है। जन जागृति के निमित्त निकाले जा रहे इस रथ का आगमन शुक्रवार को स्थानीय गायत्री मंदिर में हुआ। इस दौरान ग्राम के गायत्री परिजनों ने ग्राम में रथ के साथ संचेतना यात्रा निकाली, जिसके माध्यम से इस रथ यात्रा के उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाया गया। हम आपको बता दें कि शांति कुंज में गायत्री परिवार के प्रमुख प्रणेता गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा वर्ष 1926 में बसंत पंचमी के दिन अखंड दीप प्रज्वलित किया गया था, जो आज भी अनवरत जल रहा है। इस यात्रा में यह दीपक भी दर्शनों के लिए रथ के साथ भेजा गया है। ज्ञातव्य रहे कि वर्ष 2026 में इस अखंड दीप प्रज्वलन को 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इसी के तहत यह अखंड दीप श्रद्धा संवर्धन यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। शुक्रवार को रथ आगमन के अवसर पर शाम को गायत्री प्रज्ञा पीठ पर दीप यज्ञ का कार्यक्रम भी सम्पन्न कराया गया। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। पूजन दीपक देवता का पूजन करें। ओम तत्वयामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा सास्ते यजमानो हविर्विः ओम प्रतिष्ठा ओम वरुणाय नमः। भूये तुष्टिस्थितौ ब्रह्म मध्ये मातृगणः स्मृतः वृक्षोऽपि सागरः सर्वे प्रतिष्ठितः शिवः स्वयं त्वमेव असि विश्वस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या माता विश्व माता सदज्ञान सदभाग्य अधिष्ठात्री मातेश्वरी का वाहन ओम माया तुवरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि तो यो न प्रचोदया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।